हाय दिस दर्शन कुमार सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कन यूट्यूब चैनल नाउ कहते हैं अच्छा एक्टर को कोई माइका रोक नहीं सकता स्ट्रगल्स होती है उस एक्टर की पर एक मोमेंट आता है जब ऑडियंस उसको हीरो बना देता है दर्शन कुमार फ्रॉम द कश्मीर फाइल्स इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट मेरे भाई ऑडियंस का हीरो परिवारों का हीरो इमोशनल हो जाती है वो सोचकर ऑलरेडी हो गया थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स थैंक यू एक्चुअली हर एक्टर का सपना होता है कि उसकी फिल्म चले लोग उसके कैरेक्टर को पसंद करें लेकिन मेरे साथ तो कुछ uh, ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है मैं सपना जी रहा हूं कुछ कहा जाता है कि जब ये फिल्म बन चुकी थी लोग कहते कि विवेक अग्निहोत्री इस मुकाम तक पहुंच गए थे कि आप बोल रहे थे कि यार मैं शायद youtube पे ही रिलीज कर दूंगा ये स्टोरीज आ रही थी और अब 200 300 करोड़ हो रहा है दर्शन कुमार जो 2001 में कुछ कहना है मैं छोटा सा रोल कर रहा था जी बहुत स्ट्रगल्स देखनी पड़ी ये 20 21 साल में भाई बहुत रोलर कोस्टर राइड रही अब मैंने एक्चुअली <laughs> मैं इमोशनल हो जाता हूं सोच के कि बहुत टफ टाइम रहा राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि मैंने ये शायद किस्सा किसी के किस साथ शेयर नहीं किया कि हमें ऑडिशन के लिए बहुत बहुत दूर जाना होता है मुंबई में तो एक बार मुझे फॉर्मल कपड़े पहन के जाना था और शूज़ मैं फॉर्मल ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता था तो मैंने अंधेरी स्टेशन से कुछ दो तीन सौ रुपये वाले शूज़ खरीदे थे और बहुत टाइम से उन्हें चला रहा था और मेरे पास बस के किराए के पैसे नहीं होते थे तो मैं वॉक करके जाता था क्योंकि मुझे एक पार्ले जी जितने बस का किराया लगता है एक पार्ले जी खरीद लेता था और कहीं चाय मिल गई तो ठीक है नसीब नहीं तो पानी में डुबो के खा लेता था, था क्योंकि दिन भर सर्वाइव करना होता था और उस दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं रात को नौ बजे दस बज के लेट हो गया ऑडिशन देने के बाद और वहाँ से पैदल चलते हुए मैं आ रहा था और मेरा शूज़ एक शूज़ का जो नीचे की तली होती है वो टूट गई और मैं वॉक नहीं कर पा रहा था लंगड़ा आ रहा था और कोई मुझे दिखा भी नहीं मोची और मैं पाँच से सात किलोमीटर वो दोनों जूते हाथ में लेकर आया कितनी नाइट्स में ही होता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे कुछ खाने के लिए बाहर और आ, ऐसा रहा और अभी इस तरह का प्यार मिलना इवन मैरी कॉम के बाद भी पहली फिल्म मुझे मैरी कॉम मिली प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट इतने सालों बाद उसके बाद भी संघर्ष यही रहा कि रिपीटिव रोल मिलते रहे कि मैरी कॉम के बाद एक अच्छा हस्बैंड एक डिसेंट हस्बैंड या फिर एक अच्छा भाई मैं चाहता नहीं था रिपीट करूं अपने आप को एन एस में भी यही हो रहा था सो so, जंग रही कि अच्छे काम के लिए और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स मुझसे मिलते थे और कहते थे कि दर्शन तुम तुम्हें लीड हमारी फिल्म करने के लिए तुम में सब क्वालिटी हैं और हम चाहते हैं तुम्हारे हमारे पास फिल्म है जो तुम करो लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नंबर्स चाहिए तो मुझे लगता था सर आप ही तो बनाने वाले हो सो तो आप ही तो मेरे मेरी हेल्प कर सकते हो बट वो कहते हैं तुम कुछ बन जाओ तो हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे सो so, या yeah, अब एज एन एक्टर हम सपना देखते हैं कि सौ करोड़ एज ए लीड आप अपनी फिल्म को कम्प्लीट uh, कर जाए पर मुझे तो ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दे दिया अब मैं 200 करोड़ के uh, क्लब में शामिल हो गया हूँ एज ए लीड तो सच में कभी तो यकीन नहीं होता इनफैक्ट मेरी कॉम में आपने कमेंट कहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट ओवर शाडोड बाई प्रियंका चोपड़ा कोई और होता तो बोलता यार पूरा फिल्म प्रियंका पे जी मैं पति बन रहा हूँ क्या रोल होगा मेरा जी। ये ये कॉन्फिडेंस से आया स्टेटमेंट या खुद को ड्राइव करने के लिए आया कि यार अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं एक्चुअली जब फिल्म स्टार्ट हुई थी तभी से जब क्योंकि एडिटिंग साथ साथ चल रही थी तो एडिटिंग के वक्त मुझे कितनी बार आ, हमारे प्रोड्यूसर साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संजय उन्होंने मुझे लॉन्च किया तो उन्होंने कितनी बार कहा कि ये नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग है वो मेरी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस है तो वो हिम्मत बांधती चली गई और मेरे थिएटर का जो बैकग्राउंड रहा है दस पंद्रह साल का तो मैं जैसे मैंने बताया मिस्टर नसीरुद्दीन सर के साथ थिएटर करता हूँ तो उनके साथ काम करना आप समझ सकते एक लिविंग लेजेंड के साथ तो वो जब काम करते वक्त एक बहुत टफ़ टास्क मास्टर हैं वो जब वो काम कर रहे होते हैं वैसे वो बहुत सुपर कूल हैं तो मैंने उनके साथ काम किया उनके साथ स्टेज शेयर किया बहुत सारे शोज किए तो मैं जानता था कि इनके साथ काम करने के बाद मैं किसी के सामने भी खड़ा हो सकता हूँ कॉन्फिडेंटली सो वही हुआ मैं प्रियंका चोपड़ा मेरे लिए मैरी कॉम थी कभी भी प्रियंका चोपड़ा नहीं रही एज एन एक्टर जब मैं परफॉर्म कर रहा She था कैरेक्टर यस yes, मैंने हमेशा उनको मैरी कॉम ही देखा और उन्होंने सपोर्ट भी मुझे बहुत किया कितने सीन्स थे जो हम बार 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 रिहर्स करते थे और ऐसा लगता था जैसे वो भी थिएटर बैकग्राउंड से हैं और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में तो ये था कि उस फिल्म के लिए मैं हर जगह जितने भी अवार्ड शोज हैं मैं नॉमिनेट हुआ था एज ए बेस्ट न्यू कमर मिले नहीं वो बात अलग है सो so, अफसोस हुआ कि मिला नहीं वेरी ऑनेस्टली मेरे भाई थोड़ा बिल्कुल जब आपकी अप्रिशिएशन होते हैं काम की हर जगह क्रिटिक्स से लेकर फिल्म फर्टर्निटी से लेकर या फिर Uh, जितने भी लोग हैं uh, जो ऑडियंस है वो आपके काम को प्यार कर रही है तो लगता है थोड़ा सा लेकिन मुझे लगा कि एज अ न्यू कमर जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं पहला ही फिल्म थी मेरी बड़ी तो उसमें आना और उसमें पहले में ही हर अवार्ड में नॉमिनेट रहना तो वो भी मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी कश्मीर फाइल्स वेरी वेरी सेंसिटिव एंड कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट दो व्यू पॉइंट्स होते हैं और ये डिबेट चालू है बहुत समय से मैंने सुना है कि जब ये फिल्म आप कर रहे थे आप खुद डिप्रेशन में चले गए थे आप रात भर सो नहीं पा रहे थे आ, मेरी पहली मीटिंग पल्लवी मैम के साथ और विवेक जी के साथ जब हुई थी तो मुझे सबसे पहले हमारे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया था तरण बजाज जी का सो so, उन्होंने कहा कि वो विवेक जी और पल्लवी जी आपको एज ए लीड लेना चाहते हैं अपनी फिल्म में और जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोज दिखाए सबसे कुछ नहीं किया सबसे पहले वो वीडियो रूम में ले गए जो उनका एक रूम है और उसमें वीडियोस दिखाए जो उन्होंने 700 हंड्रेड फैमिलीज़ के साथ उससे भी ज़्यादा जो वर्ल्ड में पूरे घूम जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स थे उनके वीडियो दिखाए भाई जी इट शुक में इन आउट मैं बयाँ भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी फिल्म में दस भी नहीं दिखाया उसका और अपने कैरेक्टर पे काम करने के लिए मुझे हर रोज वैसे ही वीडियोस देखने होते थे कि मेरा कैरेक्टर असमंजस में रहता है उसको मुझे बैक स्टोरी बनानी होती है अपने कैरेक्टर की और बहुत बहुत टफ रही जर्नी पता नहीं कोई ऐसा अनुभव ना करे बट मुझे कई बार बैठे बैठे से झटके लगते थे बॉडी में और मैं इरिटेट हो जाता था छोटी छोटी बातों पे वहाँ पर सेट पर तो मुझे लगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है और रात को आधी रात में उठ जाता था कुछ अजीब सा सपना आता था और मैं फिर मैं सो ही नहीं पाता था तो ये इस इससे बाहर निकलने के लिए मैंने मेडिटेट किया मेडिटेशन का सहारा लिया दो हफ्ते की का ब्रेक लिया लेकिन जो मैंने वो वीडियोस देखे जो लोगों की बात सुनी मैं तो दो हफ्ते में बाहर निकल गया लेकिन वो लोग अभी भी भाई जी अंधेरे में नहीं सो पाते हैं घर में अकेले नहीं रह पाते हैं। तो सोचिए बत्तीस साल से वो लोग रहे हैं और लोग उनकी आवाज़ नहीं सुनना चाह रहे थे उनकी पीड़ा को नहीं सुनना चाह रहे थे आज मुझे गर्व होता है कि मैं चाहे छोटे पार्ट में किसी भी तरीके से उनकी आवाज लोगों तक ला पाया क्या तुमने यह फिल्म किया या। या। okay? या। या। क्या तुमने ये फिल्म किया? क्योंकि दर्शन कुमार एज एन एक्टर मौका मिला एक सॉलिड रोल करने के लिए या फिर दर्शन कुमार ने बोला इंसानियत के वास्ते एज ह्यूमन बींग में यह फिल्म करना चाहता सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया वीडियोस देखने के बाद सर ने विवेक जी ने स्क्रिप्ट शेयर की थी मेरे साथ और, आ, स्क्रिप्ट, पढ़... और गी गी तो, स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त जो जो मैंने वो लोगों के मुंह से सुना था एक एक चीज विवेक जी ने वही पिरो दी थी फिल्म के अंदर जो जो आपने फिल्म के अंदर देखा या लोग देख रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है उन्होंने चार साल रिसर्च किया इस पर तो मुझे लगा ये मेरा फर्ज बनता है एज एन एक्टर कि मैं इसको लोगों के सामने लाऊं और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो तेरह पेज का मोनोलॉग था और वो जो बातें लिखी गई थी वो हमारे सामने कभी आई नहीं ना हमें पढ़ाई गई तो मुझे लगा ये मेरा फर्ज बनता है और इस फिल्म में मैं अपने हार्ट एंड सोल डालूंगा अपनी जान लगा दूंगा इन लोगों की आवाज बाहर तक लाने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ये बात ओपन हो चुकी है बहुत से लोग नहीं बोला उस पर वो हर्ट कर रहा था आपको कि जहां पे लोग एक दूसरे के बारे में शाबाशियां करते रहते पोस्टर भी निकलता है तो शाबाशी शुरू हो जाती है आपको हर्ट हुआ कि सपोर्ट नहीं आ रहा था सपोर्ट तो चाहिए था वो मिले तो बहुत ही अच्छा होता है लेकिन मुझे लगता है कि वो असमंजस में थे कि फिल्म जैसे आपने कहा कि किस तरफ जा रही है या कैसी फिल्म हो सकती है जो जिसके बारे में अभी भी जिक्र हो रहा है लेकिन जिस जिसने भी अभी फिल्म देखी उन्हें भी जो मैंने आप, आपको बात बताई कि उन्हें भी यही सबके लिए ये हाँ ये रियलाइज हो रहा है कि ये फिल्म तो टेररिज्म के खिलाफ है और इस स्टोरी को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तो किसी भी धर्म के साथ किसी भी जाति के साथ कभी भी किसी के साथ हो सकता है तो हमें एक रहना होगा ताकि जो तीस या बत्तीस साल पहले हुआ वो दोबारा आज ना हो तो अभी लोगों को रियलाइज हो रहा है और वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जब फिल्म को पोलिटिसाइज किया जाता है जैसे आपने का मकसद था टेररिज्म ह्यूमैनिटी का ये जब पोलिटिसाइज करता है तो अंदर अंदर आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है हाँ दुख तो होता ही लेकिन आ, मैं उनसे सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए देखने के बाद डिसाइड कीजिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हमारा राइट है हम अपनी बात सामने रखें बिल्कुल रखिए आप लेकिन एक बार आप फिल्म को देखिए अगर आप नहीं इमोशनल हुए और नहीं कनेक्ट किया उनके साथ तो आप जो बोलेंगे वो मैं करूँ क्योंकि मुझे ना ही सिर्फ मेरे फ्रेंड्स हिंदुस्तान से बल्कि बाहर से जितने भी मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई हर इंसान कॉल कर रहा है और इमोशनल होकर बोल रहा है कि थैंक यू ये फिल्म करने के लिए थैंक यू सच्चाई बाहर लाने के लिए ये किसी भी कौम के साथ कभी नहीं होना चाहिए तो ये तो सबकी जीत है ये फिल्म सबके लिए है। जब विवेक पर अननेसरी एलिगेशन लगते रहते हैं दिन भर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कभी आप उनके प्रति प्रोटेक्टिव फील करते हैं बिल्कुल उन पर फतवा जारी हुआ था जब हम लोग कश्मीर में शूट कर रहे थे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और पर मैंने एक चीज़ देखी वो शेर हैं वो डरते नहीं हैं किसी चीज़ से भी और वो कहते हैं कि सच्चाई को सामने लाने से क्या डरना जो मैं बात बोल रहा हूँ जो कर रहा हूँ वो मैंने रिसर्च किया है चार साल की कड़ी मेहनत है उनकी सुबह शाम दिन रात बिना सोए चार चार घंटे उन्होंने इतनी मेहनत की है और ये सच्चाई सामने लाए हैं तो उनको लगा उनका एक मिशन है कि वो बिलीव जैसे मैंने बताया वो किसी खुद भी वो किसी भगवान पर या मैं आई मे भी रॉन्ग बट वो कैसे ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट में जाते नहीं हैं वो किसी तरह वो हमेशा चाहते हैं कि जो लोगों में श्रद्धा सब किसी भी कॉम के लिए हो किसी भी चीज़ के लिए श्रद्धा हो वो अपनी रहनी चाहिए आप बिल्कुल इसको फॉलो कीजिए लेकिन इंसानियत को जिंदा रखिए इतने साल में इक्कीस साल इंडस्ट्री में रहने के बाद वो कौन सा एक्टर है या प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर जिसने कहा कि यार दर्शन अभी तुम स्ट्रगल कर रहे हो पर मुझे यकीन है तुम पर वो कौन थे या कोई नहीं था उस समय बहुत सारे यकीन तो सबने किया और आ, मैं जैसे किसी भी मीटिंग के लिए जाता था तो मुझे एक स्क्रिप्ट किसी भी कैरेक्टर के लिए बुलाते थे लेकिन वो लीड के लिए मेरे लिए बात करते थे कि हमारे पास एक कमाल का सब्जेक्ट है बस तुम इसको ही जस्टिफाई कर सकते हो और तुम मुझे पता है तुम वर्ड नहीं बोलना चाहते कि कमाल कर दोगे इसमें <laughs> जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में हम वर्ड्स बोलते हैं तो आ, पर वही दिक्कत थी कि उनको नंबर चाहिए थे पर आ, विश्वास मुझे हर फिल्म डायरेक्टर जिनके साथ मैंने काम किया उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है और मेरे काम को सराहा है और जहां भी मैं जब भी उनके साथ किसी से मिलता हूं तो वो मुझे बहुत ही इज्जत देते हैं और बहुत कहते हैं कि कमाल का एक्टर आप इनसे मिलिए तो हाँ प्यार हमेशा मिला है और अब काम भी मिलना शुरू हो रहा है सो यार सो आई फील ब्लेस्ड ओके व्हाट कम्स टू माइंड दिल से बोलना इनके बारे में मनोज बाजपाई आई से रियल टैलेंट अनुष्का शर्मा ब्यूटीफुल सोल टाइगर श्रॉफ

वरुण धवन ने किया वरुण धवन लव माई परफॉर्मेंस और उसके अलावा तो अगर आप मेरा ट्विटर देखेंगे तो इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स क्रिटिक्स इतना प्यार मिल रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता यहाँ तक कहा गया है कि अब ये आज तक ये कहा गया था कि सुपरस्टार चाहिए इतना बड़ा मोनोलॉग बोलने के लिए ऑडियंस को बांध के रखने के लिए और वो मिथ दर्शन कुमार ने तोड़ दिया है सो आई फील ब्लेस्ड कि इस तरह का प्यार ऑडियंस से तो मिल ही रहा है और हमारी फिल्म फर्टर्निटी भी हमें इतना प्यार दे रही है यार पर एक फ्लिपसाइड हो रहा है जब थोड़े लोग जिन्होंने शायद फिल्म नहीं देखी होगी जी वो फ़ोन उठा के कुछ भी बोलते हैं डराते धमकाते ऐसे आया आपको कॉल्स नहीं अभी तक नहीं आया हाँ मुझे रात को हमारी फिल्म इंडस्ट्री से ही जैसे मैंने बताया हमारे एलिस्टेड डायरेक्टर्स कास्टिंग डायरेक्टर्स टॉप क्लास सब रात को डेढ़ डेढ़ दो दो बजे भी मुझे कॉल कर रहे हैं वो रोक नहीं पा रहे हैं फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं लेट नाइट का शो और कहते हैं सॉरी हम आपको जगा रहे हैं पर मैं आजकल सो भी नहीं पा रहा हूँ इतना प्यार मिल रहा है लोगों से मैं सारे जितने मेरे ट्विटर हैंडल है या सोशल मीडिया के हैं तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों को रिप्लाई करूँ जो इतने प्यार से लिखते हैं या बात मेरे लिए मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मैं जगा ही रहता हूँ चार चार घंटे सो रहा हूँ आजकल तो उनको मैं कहता हूँ नहीं सर इट्स ओके बट वो जो अप्रिशिएट करते हैं और एक एक सीन के बारे में ये नहीं कि सिर्फ मोनोलॉग की तो तारीफ करते ही करते हैं वो एक एक सीन के बारे में डिटेल में बात करते हैं क्योंकि वो तो पूरी फिल्म को बहुत ही एक यू नो ग्लास लगा के चेक करते हैं कि कुछ कमी तो नहीं है किसी में या कोई तो वो एक एक सीन में मैंने कैसे किस सीन को कैसे पोर्ट्रेट किया उसके डिस्क डिस्कशन करते हैं तो एक्टर के लिए इससे बड़े आ, विन कुछ नहीं हो सकता यार दर्शन इतने सालों से मैं तुमको जानता हूँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब